आदाब नाज़रीन, मैं हूँ फरहान नजम। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ समरीन। टी डी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। आप जानते हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाज़रीन, अक्सर ये होता है कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी अचानक हुए हादसात का शिकार हो जाती है और वक्त की बाजी कुछ यूँ पलटती है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पहुँच गए, वो हमारे ज़हनो गुमान में भी नहीं होता है। नाज़रीन, ये जो हादसे हैं वो किसी के भी साथ पेश आ सकते हैं, चलती फिरती ज़िंदगी कभी भी मुतासर हो सकती है। ये हादसा किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे सड़क हादसा हो, कहीं से गिरकर चोट लगना हो, जल जाना हो, करंट लगना हो। कभी कभी तो कुदरत की तरफ से भी कुछ ऐसे हादसात नाजिल हो जाते हैं जो बहुत ही जान और माल के नुकसान के लिए बुरे साबित होते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे ही हादसों की। आजकल जो बहुत ही आम हादसे हो गए हैं वो हैं सड़क के हादसे, यानी कि रोड एक्सीडेंट, जो बहुत आम सी बात हो गई है और जिनमें इजाफा भी हुआ है। यूँ तो हमारी जो जिस्म है, अगर किसी भी हिस्से में कोई चोट लग जाए तो बहुत ही गलत होता है, बहुत ही मुतासिर हम हो जाते हैं, तकलीफ़देह होता है। लेकिन अगर हमारे स्पाइन में और हमारी जो ब्रेन है, अगर इसमें गहरी चोट आ जाए तो इस ट्रॉमे से उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इतनी सीरियस कंडीशन हो जाती है कि जो मुतासिर इंसान है वो तो इसके ज़द में आ ही जाता है, और साथ ही जो उसके मुतालिकीन है वो भी कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे ट्रोमा में आ जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो कौन से हादसात हैं जो किन लापरवाहियों की वजह से हमारी ज़िंदगी में घट जाते हैं, हमें मुतासिर करते हैं, और कैसे हम उनसे डील करें, कौन कौन से इलाज हैं, ट्रीटमेंट है जो हम ले सकते हैं, क्या जो है हम लापरवाही बरत रहे हैं। इन्हीं पर तफसील से जानकारी हासिल करने के लिए आज हमेशा की तरह हमारे दरमियान मौजूद है डॉक्टर्स का एक ख़ास पैनल। इससे पहले हमेशा ही हम आपको बताते हैं कि अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है या आज का जो हमारा ये मौजू है इससे जुड़ा कोई सवाल है, आप भी किसी ट्रॉमा से जूझ रहे हैं या आपके मुतालिकीन जूझ रहे हैं, तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आइए नज़र डाल लेते हैं कि अच्छी खासी चलती फिरती ज़िंदगी में अचानक ये हादसे क्यों पेश आते हैं, क्या लापरवाहियाँ हम बरतते हैं। डालते हैं मुख्तसर सी नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाज़रीन, हमें अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ हादसात का ख़तरा भी लाहक रहता है और ना चाहते हुए भी हमें उनका सामना करना पड़ता है। छोटी मोटी चोट तो आम तौर पर लगती रहती हैं, लेकिन किसी संगीन और बड़ी चोट से बचने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ हमारा मतलब ट्रॉमेटिक इंजरीज से है, जिनसे जान का खतरा भी पैदा हो जाता है। ये दरअसल वो संगीन चोटें होती हैं जो किसी सड़क हादसे, कहीं ऊंचाई से गिरने, किसी नोकेली चीज से हमला किए जाने, जलजले जैसी कुदरती आफत की जद में आने, गोली लगने और किसी हादसे में जल जाने की वजह से लगती हैं। अगर आप गौर करें तो इन सब हादसात में हमें सबसे ज्यादा सामना सड़क पर होने वाले हादसात की सूरत में होता है और इनमें हलाक होने वाले अफराद की तादाद भी ज्यादा है। आमदरफ्त के जदीद वसाइल ने हमारे सफर को आसान से आसान तर बनाया है, लेकिन वहीं सड़क पर मोटर गाड़ियों और दीगर ट्रैफिक में भी इजाफा हुआ है। सड़कों के लगातार बेहतर होते बुनियादी ढांचे के सबब सफर में लगने वाला वक्त काफी कम हो गया है, मगर दूसरी जानिब सड़क हादसात का खतरा भी बढ़ा है। वैसे तो सड़क हादसात पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसला है, लेकिन हिंदुस्तान में सड़क हादसात में 20 वर्षों के दौरान 70% इजाफा हुआ है और यहाँ हर बरस तकरीबन 5 लाख सड़क हादसात रूनुमा होते हैं, जिनमें 1.5 लाख अफराद अपनी जान गंवा बैठते हैं। हालांकि एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में दुनिया भर की महज 1% गाड़ियाँ ही हैं, लेकिन सारी दुनिया के सड़क हादसात में जान गंवाने वाले लोगों में 11% हिंदुस्तानी होते हैं। ये बायसे तश्वीश है। आए रोज मुल्क के किसी न किसी हिस्से से सड़क हादसात की खबर आती रहती है। इन हादसात में लोग वक्त से पहले कम उम्र में ही लुकमाए अजल बन जाते हैं, शदीद तौर पर जख्मी भी होते हैं, माजूरी का शिकार भी होते हैं और कहीं कहीं तो पूरा कुनबा ही उजड़ जाता है। एक आम तहकीक के मुताबिक ये हादसात इंसानी लापरवाही और गलतियों की वजह से होते हैं। कहीं ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करते हैं, जिनकी वजह से हादसे होते हैं। आजकल खासतौर से हर किसी के मिजाज में जल्दबाजी है
और यही अंदाज सड़क के ट्रैफिक में भी नजर आता है। हर कोई ये चाहता है कि पहले मैं निकल जाऊं, और ये भी हादसों का सबब बनता है। सड़क हादसात की एक अहम वजह कम उम्र और नाफहम बच्चों को वालदैन की जानिब से गाड़ी या बाइक चलाने की इजाज़त देना है। वालदैन शायद इसे बाइक से फख्र समझते हैं, लेकिन ये उनके साथ साथ राह चलते मुसाफिरों के लिए भी खतरे का सबब है। गाड़ी या बाइक चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करना सड़क हादसात की एक और बड़ी वजह है, जिसे शायद फन या हुनर समझा जाता है। नाजरीन, सड़कें हम सबके लिए हैं और जाहिर है कि इन पर चलने के कुछ जाब्ते होते हैं, लिहाजा सरकार ने ट्रैफिक के उसूल हमारी हिफाजत के लिए ही बनाए हैं और इनकी पाबंदी हर जिम्मेदार शहरी का अव्वलीन फर्ज है। इसके अलावा किसी भी हादसे से बचने के लिए सड़क पर पैदल या गाड़ी में चलते वक्त हमेशा होशियार रहें, गफलत हरगिज न बरतें। हादसे की सूरत में अपने होश हवास पर काबू रखें और गौर करें कि फौरी मदद कैसे और कहां से मिल सकती है। गाड़ी या बाइक हमेशा उतनी रफ्तार में ही चलाएं जितनी इजाजत है। खास तौर से ट्रैफिक के सभी जाब्तों की पाबंदी करें और सड़क पर चलते वक्त दूसरे मुसाफिरों की सलामती का भी ख्याल रखें। याद रखें, एहतियात से ही हादसात से बचा जा सकता है। नाज़रीन, हमने रिपोर्ट में भी कि ये जो जल्दबाजी है वो अनचाहे हादसात को कहीं ना कहीं दावत दे देती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हम ऐसे हादसात से बच सकें। नाज़रीन, वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं, अगर ये चोट संगीन हो तो ये जो है बाई से सोच का एक सबब बन जाती कि अब इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, इन्हीं सब पर मज़ीद और तफसील से जानकारी हासिल करने के लिए हम रुख करते हैं आज के माहिरीन का और करवाते हैं आपका तारुफ उनसे। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर कामरान फारूकी। प्रोफेसर कामरान फारूकी चीफ हैं ट्रोमा सेंटर एम्स नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं एएस मूर्ति साहब, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं एम्स ट्रोमा सेंटर नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात रंजन, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स नई दिल्ली में। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्र है इस प्रोग्राम में आने के लिए। खैर मकदम करता हूं मैं। थैंक यू डॉक्टर फारूक, प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करते हैं हम। अभी ट्रोमा की बात हो रही थी यहां पर, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये बताइए कि ट्रोमा इंजरी होती क्या है। एक तो ये ट्रोमेटिक इंजरी जो होती है, दूसरा ये कि फर्स्ट एड की कितनी अहमियत है और किस तरह से फर्स्ट एड की शुरुआत करनी चाहिए किसी भी हादसे के होने पर। तो आपका जो पहला सवाल था उसका मैं जवाब देता हूँ। ट्रामा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को चोट लगे जी, उसको ट्रॉमा कह सकते हैं। चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, या छत से गिरना हो, या सीढ़ी से स्लिप करना हो, या गर्म पानी से जल जाना हो जी, या किसी का आपके ऊपर हमला हो चाकू से या फायर आर्म से, एनीथिंग विच लीड्स टू एनी काइंड ऑफ इंजरी टू द बॉडी जी, जिससे चोट लगे, कोई नुकसान पहुँचे, उसको आप ट्रॉमा कह सकते हैं। ओके और दूसरा ये कि जो आपका सेकंड पार्ट था, स्पेशली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उसमें तो जो फर्स्ट एड बहुत ही ज़रूरी है, इम्पेरेटिव है कि अगर आप जल्दी से जल्दी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स को फर्स्ट एड प्रोवाइड करें जी, तो उनके बचने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फर्स्ट एड जी। इवन बाकी चीज़ों में जैसे फायर आर्म्स हैं या जी, आग लग गई उसमें भी अगर आप जल गए तो जितनी जल्दी आप फर्स्ट एड देंगे, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे मरीज को, उतना ज़्यादा उसके बचने का चांस रहता है। जैसे एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जी, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हम आए दिन सुनते हैं देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, कॉमन चीज़ है और बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है साथ में, तो पहला क्या कदम होना चाहिए उन लोगों का जो गाड़ी से बाहर हैं, उन्हें लग रहा है कि गाड़ी में सब लोग इंजर्ड हैं या कोई बड़ा हादसा हो चुका है वहाँ पर, तो पहला उनका क्या स्टेप होना चाहिए, क्या कोई फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करें, या अपनी उनकी क्या जिम्मेदारी एक आम आदमी की बनती है वहाँ पर। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली, या तो मरीज़ सड़क पर लेटा है या गाड़ी के अंदर है तो सबसे पहले तो सीन सेफ्टी कहलाती है जी, कि सबसे पहले आप देखिए कि अगर बहुत तेज़ ट्रैफिक चल रहा है, कोई गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि मदद करने से पहले आपकी खुद की सीन सेफ्टी है कि जी, बहुत इम्पोर्टेंट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मरीज सड़क के बीच में लेटा हुआ है जी, और
गाड़ियां चल रही हैं और खुद आप जंप करें उसके अंदर, तो आप भी इंजर्ड होने का चांस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज कि सबसे पहले आपको कॉल फॉर हेल्प, आपको 102-108 दो नंबर है, 102 एंड 108, 108 ये दो नंबर है जी। दिल्ली में एक नंबर है 102 एंड ऑल इंडिया में कैट्स का नंबर है दैट इज 108। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि अगर कभी ऐसा हादसा पेश आता है तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उस नंबर पर आप कॉल करेंगे, एक तो आपका ये है कि थोड़ा मदद के लिए लोग आएंगे, जो उस पर लोग आपकी कॉल रिसीव करेंगे वहाँ से मदद पहुँचेगी। दूसरा ये है कि आपके भी दिमाग में ये रहेगा कि हमने किसी को बता दिया है और इस हादसे को वो रिकवर करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है स्पेशली इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कि आप सबसे जल्दी से जल्दी मरीज़ को किसी भी हॉस्पिटल ले जाइए। वो बहुत ही अहम है क्योंकि अगर आप सोचें कि आप रोड पे ही उसको इंजरीज ठीक कर देंगे या उसको मदद कर पाएंगे वो मुश्किल है। ये हेल्पलाइन नंबर जो आपने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ। ये कैट्स के कैट्स एम्बुलेंस जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एम्बुलेंस सर्विस उसके नंबर्स हैं। तो आप मोबाइल से भी डायल करेंगे, किसी चीज से भी डायल करेंगे जी, तो फर्स्ट आपको हाईवेज पे लगे भी रहते हैं फोन्स, मैंने खुद देखा है, डिस्प्ले भी रहते हैं डिस्प्ले भी रहते हैं। तो फर्स्ट यही सबसे चीज है कि एक सेंसिटिविटी देखिए। नंबर टू बिफोर यू टच द पेशेंट इज टू कॉल फॉर हेल्प। जी जी, कि आप उनको फोन करके बोलिए कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, उनको बताइए कि किस एरिया में एग्जैक्टली क्या है, और अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा विक्टिम के बारे में भी बता सकते हैं। जी जी, हमने इस नंबर को यहाँ पर फ्लैश भी करा दिया है ताकि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस नंबर को नोट कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर फारूक साहब आपने बताई है। जी जी, डॉक्टर साहब आपने तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि अगर किसी का कोई सड़क हादसे का शिकार हो जाता है तो किस तरीके से उसको हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए और उसके जो आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं वो किस तरह से उसको मदद कर सकते हैं। डॉक्टर मूर्ति, अगर हम आपके पास जाएं और एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, ऐसा भी होता है अक्सर कि कोई हादसा हुआ उसमें खून काफ़ी बह गया लेकिन कई बार खून नहीं बहता और गुम चोट होती है जो नज़र तो नहीं आती लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए कैसे उस गुम चोट को ट्रीट किया जा सकता है और कहाँ तक ये तो मुमकिन है? हाँ, एक तो दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार। जो फर्स्ट एड को मैं थोड़ा सा विचार से मतलब पूरा एलाबरेट थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ क्योंकि जब दर्शकों को तो सुन रहे हैं, फर्स्ट एड में क्या है, एक ऐसी चीज़ है ए बी सी बोलते हैं, एंड ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ये एयरवे जो हम सांस लेने के जो रास्ता क्लियर रहना चाहिए, जैसे हमारा प्रोफेसर सर चीफ सर जो बोल रहे थे, जहाँ एक्सीडेंट विक्टिम, जहाँ एक्सीडेंट एरिया पे आप, वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, हम लोग आम इंसान लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम उनको बचा सकते हैं। तो ये जो तीन चीज़ है, ए फॉर एप्पल, सॉरी ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। सो एयरवे क्लियर रखना, फिर उसके बाद ब्रीदिंग देखना, एंड सी फॉर सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन में कोई दिक्कत है फिर आप एक CPR है, कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये एक सिंपल टेक्निक है, ये आप सीख सकते हैं, ये लाइफ सेविंग एक टेक्निक है, ये हर इंसान सीखना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो शिफ्ट करने के जो तरीका जो हम बता रहे हैं, जैसे आप जहाँ पे भी चोट लगता है इनकी, वहाँ पे आप देखेंगे तो 10% 20% चोट लगता है। जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से अगर नहीं करेंगे वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मरीज को डैमेज करना है। दूसरा हमारा जो सवाल जो मैडम ने जो पूछा, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो वहाँ पे क्या है, आप एक कोल्ड थेरेपी है, आइस थेरेपी है, बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। दूसरा इसको हम एक और सिंपल तरीके से राइस बोलते हैं, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। तो ये की टेक्निक है, हम इधर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा फॉलो करिएगा। राइट। यहाँ पर प्रभात अंजन सर आपके पास आना चाहूँगा मैं, यहाँ बात हो रही है ट्रोमाटिक सर्जरी इंजरी की। इसमें एक बार अगर ये जो ब्रेन की इंजरी होती है ये हो जाती है तो वहाँ पर आप किस तरह की आप एडवाइस करना चाहेंगे? आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूरोलॉजी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, किस तरह से आप उसका इलाज करते हैं फिजियोथेरेपी के ज़रिए और कितनी अहमियत है उसकी? फिजियोथेरेपी का ब्रेन इंजरी में काफ़ी महत्व है, खासकर रिकवरी के फेज में। ओके। पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने में
और साथ में जो है पुनर्वास के साथ में जो है पेशेंट की कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी साबित होती है फिजियोथेरेपी। पेशेंट का चलना, पेशेंट को किस तरह से अपने दैनिक कार्यों में जो है कि सम्मिलित करना, क्योंकि क्या होता है चोट लगने के बाद अगर पेशेंट की कंडीशन वैसी है कि इसमें दो तरह से चोटें आ सकती है, एक तो पेशेंट कॉन्शियस होगा या फिर अनकॉन्शियस होगा। कॉन्शियस होगा तो हो सकता है कि उसके हाथ पैर ना चल रहे हो, क्योंकि ब्रेन में जैसी इंजुरी है, ब्रेन की जो दो भाग हैं उसमें जिस तरह से इंजुरी होती है उसके हिसाब से जो है अपंगता भी आती है शरीर के अंदर में। तो उस अपंगता को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के अंदर में जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस है, वैसे जैसे पेशेंट को आ गया जी, स्टेबल भी हो गया, लेकिन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसके जॉइंट में स्टिफनेस आ सकती है जी, उसके जो है पैरों में खून थक्का जम सकता है, डीवीटी बोलते हैं जिसे, बेड सोर्स हो सकते हैं, मसल में कॉन्ट्रैक्चर हो सकते हैं जी, जी। तो इन सब को प्रिवेंट करना है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम लोग पोजिशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पेशेंट के अंदर में पहला हमारा उद्देश्य होता है कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो, क्योंकि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए तो पेशेंट को ठीक होने में और समय लगेगा। अच्छा, फिर यहीं पर एक चीज और मुझे बताइए, किन हालात में ज्यादा जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की, न्यूरोलॉजिकल जो आप करते हैं, किन हालात में? अगर ब्लीडिंग हो गई है क्या तब भी जरूरत होती है? एक गुम चोट होती है तो गुम चोट में ज्यादा जरूरत है, या ब्लीडिंग हो गई हेड से इंटरनल अगर इंजुरी है जी, ऑर्गन में है, तो जनरली दैट इज टेकन केयर बाय द फिजिशियंस और जो भी ट्रीटिंग सर्जन है उनके द्वारा। ओके, बाकी फिजियोथेरेपी का पार्ट है पेशेंट की कार्य क्षमता को बढ़ाना। बढ़ाना क्या कुछ कहना चाहेंगे फारूक सर यहाँ पे? एक्चुअली फिजियोथेरेपी का रोल जो है इट कम्स, ये आता है एक बार जब पेशेंट का एक्यूट मैनेजमेंट हो जाए। फिजियोथेरेपी प्लेज अ रोल इन रिहैबिलिटेशन जी जी डॉक्टर। तो इमीडिएटली जब इंजरी होती है तो उसमें प्राइमरी रोल जो है वो फर्स्ट एड का है right. जिसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं या ATLS कहते हैं, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, और डॉक्टर्स का होता है जो रिससिटेट करते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल आता है जब आपने पेशेंट का इलाज कर दिया, उसका रिहैबिलिटेशन है जी, उस पार्ट में फिजियोथेरेपी का रोल आता है जी, okay. अच्छा डॉक्टर कामरान, एक चीज और, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ये ब्रेन है एक पावर हाउस की तरह होता है, जो हमारे जो जिस्म के दूसरे हिस्से हैं उन्हें ऑर्डर रिलीज करता है। अगर इस पर गहरी चोट लग जाए तो हम ये कैसे पता चला सकते हैं कि ये माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है जो जख्म? तो एक्चुअली फॉर अ ले पर्सन, आम आदमी के लिए हेड इंजरी का क्लासिफिकेशन जो होता है मॉडरेट सीवियर, अगर तो तीन चार चीज़ें हैं जो देखनी है। अगर बात कर रहे हैं, आपके आंसर कर रहे हैं नॉर्मली आपके क्वेश्चंस को, आप जैसे किसी से पूछिए भाई आप अगर रोड साइड विक्टिम हैं कि आपका नाम क्या है, आपको पता है ये कैसे हुआ, या क्या आप जानते हैं कहाँ पर हैं, आप बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हेड इंजरी है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद आपको तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्या होता है कि अगर सपोज हेड इंजरी है और आप कॉन्शियस भी हैं, उसके बाद अगर वोमिटिंग हो रही है तो ये होता है एक साइन कि आपके हेड के अंदर देयर समथिंग कॉल्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी कि जो ब्रेन है वो फूल रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है आपके सर के अंदर, तो उससे क्या होता है वोमिटिंग होती है। अगर अगर सपोज आपको चोट लगी, आप हॉस्पिटल नहीं गए, आपको लगा ठीक है बच्चों में स्पेशली ठीक है और घर चले गए, लेकिन उसके बाद वोमिटिंग शुरू हो जाए तो इट इज़ अ साइन कि आपको डॉक्टर कंसल्ट करना है, मतलब आपकी सीवियर हेड इंजरी है। दूसरा है कि अगर कहीं से आपका खून निकल रहा है, यानी कि नाक से या कान से या मुंह से अगर खून निकल रहा है या पानी निकल रहा है जो कहलाता है CSF विच इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन है वो एक तरह के पानी में तैर रहा होता है जी, उसको CSF बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, तो अगर कहीं से लीकेज है इसका मतलब ये सीवियर हेड इंजरी है। सिमिलरली अगर कोई ब्लड निकल रहा है या खून निकल रहा है या तो नाक से या आंखों में अगर आ रहा है या कान से या मुंह से, तो इसका मतलब आपको गहरी चोट है। या अगर आप कॉन्शियसनेस थोड़ी टाइम के लिए लूज करें, अगर इंजरी के बाद अगर थोड़ा भी आपको लगा कि आपकी कॉन्शियसनेस लूज हुई है, आप होश में नहीं थे थोड़ी टाइम के लिए भी हो, दैट अगेन इज अ साइन कि भाई ये सीवियर इंजरी है और ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब आपको सर में चोट है, आपको डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेट या जांच इसकी करानी, फौरन डॉक्टर की तरफ रुख करना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, उसमें आपको CT स्कैन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से और सिर्फ कॉन्शियसनेस लेवल से अगर ये साइंस आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अगर बेहोश हुए हैं आप थोड़े चंद लम्हों के लिए भी, तब भी आपको CT स्कैन कराना जरूरी है।
यही डॉक्टर साहब ये भी बताइए आप कि गोल्डन आर्ट्स भी कहा जाते हैं इसमें, वो क्या होता है कि अगर कोई हादसा कहीं पेश आया है, गोल्डन आर्ट्स क्या हैं, उन आर्ट्स में क्या करना चाहिए किसी भी पेशेंट के साथ वाले लोगों को? तो गोल्डन आर्ट्स जो है ये टेक्निकल टर्म जो है बेसिकली हॉस्पिटल पहुंचने के बाद किया जाता है ओके या गोल्डन आर कहा जाता है, लेकिन हमारे इंडियन सेटअप में जहाँ हमारा जो प्री क्लिनिकल या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इतना एडवांस्ड एंड रोबस्ट नहीं है, इतना डेवलप नहीं है ओके, तो उसमें हम लोग एक घंटे की बजाय उसके पहले भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी जितने आप ये समझिए कि जितने जल्दी से जल्दी कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम को आप हॉस्पिटल पहुँचाएँ तो उसका बचने का उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। कितना वक्त होना चाहिए उसके लिए, आप अपने हिसाब से बताइए, एक एक्सपर्ट के नज़रिया क्या है? एक घंटा ही है क्या? यू कैन नॉट डिफाइन इट कि भाई एक घंटा है या 49 मिनट्स हैं या 38 मिनट्स हैं। बेसिकली आपका प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो ब्लीडिंग की वजह से होती है ठीक है, ब्लीडिंग एंड हेड इंजरी। तो जितनी जल्दी आप ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, इसी से मुझे याद आया दूसरी चीज़ जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, एज अ ले पर्सन या जो आप आम आदमी नागरिक जो हैं रोड पे, तो अगर किसी को चोट लगती है और ब्लीडिंग हो रही है तो द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज एक पट्टी बांध दीजिए, अप्लाई अ बैंडेज ठीक है, प्रेशर बैंडेजेस कहलाती है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ किसी भी चीज़ से आप प्रेशर से बांध कर उसको ब्लीडिंग स्टॉप करने की कोशिश करिए, और वही एक चीज़ है जो जो मेडिकली ट्रेंड लोग नहीं हैं वो कर सकते जी। कोई भी आप चाहे वो दुपट्टा हो या शर्ट हो या कोई भी रुमाल हो उसको टाइटली आप बांध दीजिए वूंड के ऊपर ताकि ब्लीडिंग आप स्टॉप कर सकें, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ब्लीडिंग को रोकना है, ब्लीडिंग को रोकना है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये छोटी छोटी बातें जो आपने बताई हैं बहुत ही अहम है, इन्हीं को ध्यान में रखकर कोई हादसा अगर किसी के साथ पेश आ गया है अपने के या किसी और के और हम वहाँ पर मौजूद हैं तो हम इन्हें अपना कर बहुत हद तक उसकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर प्रभात, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ब्रेन इंजरी की बात हो रही है, अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई है इसके बाद ट्रीटमेंट भी मिल गया है, लेकिन अगर न्यूरो की बात करें, उसे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, तो उस मरीज को फिजियोथेरेपी के जरिए कैसे ट्रीट किया जा सकता है? ब्रेन इंजरी में जैसे अभी मैं बता रहा था, अमूमन जो है मसल्स जो हैं आपकी शिथिल पड़ जाती हैं और वो डिपेंड करता है किस तरह की चोट है ब्रेन में। अगर सर जैसे बता रहे थे कि मॉडरेट है सीवियर है, उसके हिसाब से अगर कंकशन है मतलब एक मॉडरेट सा माइल्ड सा मान लीजिए हेड इंजरी है, तो उसमें हो सकता है पेशेंट के हाथ पर चल रहे हों लेकिन उनको जब होश आए तो उनके अंदर में उनकी मांसपेशियां जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मांसपेशियां की वो मेंटेन रहें, उनके ज्वाइंट्स चलते रहें, इसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनको बेड शोर ना हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट सीवियर है, अगर सीवियर है अनकॉन्शियस है तो वैसे केसेस में सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट या फिर एनेस्थेसिस्ट के साथ जो है चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत महत्व पड़ जाता है, जिससे कि आप उसके चेस्ट को क्लियर रखें और वो एक जल्दी से जल्दी उस वेंटिलेटर पे हो तो उससे बाहर आ सके। फिर पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से पोजिशनिंग होनी चाहिए कि उसको कोई और तकलीफ ना हो। साथ में फिर अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो फिर उसे चलने में फिरने में बैठने में खड़े होने में इन सब में जो है धीरे धीरे पेशेंट को वापस लाया जा सकता है, जो कि एक रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। जी जी, यहाँ पर मूर्ति सर आपके पास आऊँगा मैं। अभी आपने अपने सवाल में CPR का जिक्र किया था, वो आपने बताया था कि CPR को हर इंसान को सीखना चाहिए और होना चाहिए, ज़रा तफसील से बताइए CPR होता क्या है और CPR किस तरह देना चाहिए अगर कोई हादसा पेश आ जाता है कहीं पर। देखिए यहाँ पे जो CPR क्यों करना किस लिए करना, मैंने पहले भी बोला था जो ABC का जी, जो व्यक्ति रोड पे कहीं पे जैसे गिर रहे हैं या चोट लगा जी, तो वहां पे हार्ट अगर काम नहीं कर रहा, हार्ट कैसे काम कर रहा पता कैसे चलेगा? पल्स कहाँ से? हार्ट के नजदीक जो गले में एक कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, धमनी जो हिंदी में बोलते हैं, यहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पल्स हाथ में भी पता चलता पैर में भी पता चलता, बट आपको फाइंड आउट करना गर्दन के पास ठीक है, ताकि ये नजदीक है। तो अगर यहाँ पल्स आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे देन आपको CPR करना चाहिए। CPR ऐसे चीज है जो आपका हार्ट के ऊपर एक मसाज एक प्रेशर पड़ता है जी, तो ये एक आम नागरिक सीखना बहुत जरूरी है जी। अच्छा ये क्यों करना,
जब तक आपका सर्कुलेशन अगर नहीं पैल्पेशन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं तब तक आप मसाज मतलब कार्डियक सीपीआर जो है आप टेक्निक अप्लाई करिए। ओके इस बीच में जैसे सर ने बोला एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करिए जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको सीपीआर परफॉर्म करना जरूरी है। जी, जी। ये जो गोल्डन आवर्स है इसी को बोलते हैं गोल्डन आवर्स है एक व्यक्ति को आपको जो है बचाने का एक मौका आपके हाथ में तो ये हर इंसान सीखना चाहिए। ये फर्स्ट एड कोर्स में एक ऐसे जो चीज़ है क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर आप देखेंगे चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे फॉल फ्रॉम हाइट या फिर गनशॉट इंजरी है या आर्म इंजरी है या एग्रीकल्चर रिलेटेड इंजरी है ये सीपीआर एक वैल्यूबल एक पैरामीटर है। जी जी तो ये बहुत फायदेमंद है इसको हर किसी को सीखना चाहिए और ऐसा हादसा अगर पेश आता है तो सीपीआर का इस्तेमाल करना चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर कामरान एक जो सीवियर ब्रेन इंजरी की भी आपने बात बताई थी अभी तो उसमें एक इंसान के कोमा में चले जाने के कितने चांसेस होते हैं? देखिए सीवियर ब्रेन इंजरी कहते ही कोमा को है। अच्छा देयर इज अ टेक्निकल टर्म कॉल्ड ग्लासगो कोमल स्केल तो ग्लासगो कोमा स्केल जो है GCS जो बोलते हैं अगर सीवियर हेड इंजरी है तो वो कोमा में जाने के बाद ही बोलते हैं। अच्छा तो अगर सीवियर हेड इंजरी है तो कोमा में जाने के ऑलमोस्ट श्योर चांसेस है। यहीं पर मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा आपसे ये तो हम बात कर रहे हैं ट्रॉमेटिकल बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरीज हो गई हैं हाईवेज पे हो गई हैं कहीं हो गई हैं कुछ ऐसे भी हादसे पेश आते हैं जो घर में ही हो जाते हैं कोई गिर गया है किसी की तरह मोच आ गई है कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उनके लिए डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे उससे डील किया जाए घर के जो लोग हैं दीगर लोग हैं वो किस तरह से उनका इलाज करें और कितनी उम्मीद है कि वो घर पर ही ठीक हो जाएंगे? मोच आ जाती है आम चीज़ है। हाँ ये काफ़ी कॉमन चीज़ है मोच आ जाती है लेकिन मैं ये कहूँगा कि घर के लोग अगर डॉक्टर नहीं है तो इलाज ना ही करें। राइट ओके बेहतर ये है कि एटलीस्ट आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि हो सकता है मोच ना हो फ्रैक्चर हो। ओके फिर क्या होता है फ्रैक्चर निग्लेक्ट हो जाता है तो घर पे किसी भी तरह का अगर चोट लगी है जो सिग्निफिकेंट है तो आपको बेटर ये है कि आप डॉक्टर को जाके या कोई भी मेडिकल पर्सनल को जाके आप कंसल्ट करिए। ओके ओके डॉक्टर मूर्ति भी कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सर ने जो बोला जो जब भी इस तरह चोट होता है आप मान के जाइए फ्रैक्चर है तो यहाँ पे आप सिंपल इसमें फर्स्ट एड में भी बताते हैं अगर इसको आप फ्रैक्चर मान भी लेंगे तो एक जॉइंट ऊपर एक जॉइंट नीचे उसको एक पट्टी लेके आप बांध लीजिए इतना तो आप घर पे आपको मदद करना चाहिए जो व्यक्ति जाना डॉक्टर के पास ही पड़ेगा जाना जरूरी है बट अच्छा। आप फर्स्ट एड क्लास में ये हम बताते हैं आप जहाँ पे भी चोट है उसके एक जॉइंट ऊपर एक जॉइंट नीचे आप एक पट्टी लेके बांध के फिर आप डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि डॉक्टर मूर्ति यही मैं ये बात भी आप बताइएगा प्लीज़ बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपके फ्रैक्चर होता तो आप चल ना पाते तो ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई असलियत क्या है? ये इसमें क्या है लिगामेंट इंजरी भी होगा वो चल नहीं पाते हैं क्योंकि आपके जब पेन हो जाता है ना फिर वो लचक आना शुरू हो जाती है। अच्छा तो यहाँ पे आपको अगर इवन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी लिगामेंट इंजरी है तो आप मान के चलिए हड्डी टूटी है। अच्छा इतना मान के फिर आपको अपने को इमोबिलाइज करना मैंने एक वर्ड यूज किया था शुरू में जी। राइस सिंपल टर्म है रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन जी। तो ये प्रिंसिपल आप हर जगह जहां पे भी चोट है चाहे कंधे में चोट है चाहे एडी में चोट है जी, तो जी। ये प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे तो फर्दर डैमेज जाना ही है डॉक्टर की तरफ प्रिवेंट हो जाएगी फर्दर डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते जी। कुछ कह रहे हैं मैं एक फरहान भाई छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि कॉमन कंसेप्शन क्या होता है कि चोट लगती है तो लोग गरम पानी से सिकाई करते हैं जी ये भी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी अगर घर पे स्पेशली कोई भी चोट लगे तो गरम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिए बिल्कुल नहीं करिए बिल्कुल नहीं करिए लोग कहते हैं कि गरम पानी से इसको तराड़े दे दें तराड़े लव्स यूज करते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है इनफैक्ट आइस का इस्तेमाल करना है। ओके आइस से जो है वो स्वेलिंग कम होती है और जो इन्फ्लेमेशन होता है आइस का इस्तेमाल करके आइस में मतलब जैसे आप किसी भी पन्नी में या अच्छा नॉन वेटेबल कपड़े में डायरेक्ट करेंगे तो आइस पिघल जाएगा वो ठंडा नहीं रहेगा तो वही ठीक है तो किसी भी पन्नी में डाल के उसको आप किसी टॉवल में या किसी कपड़े में रैप करके उसको जहां इंजर्ड पार्ट है वहां रख दीजिए। कितनी देर तक करना है ये? जब तक आप डॉक्टर कंसल्ट ना करें तब तक करें जाना तो पड़ेगा ही डॉक्टर के पास। ओके ओके और जो आपका दूसरा सवाल था कि फ्रैक्चर होने के बाद चल नहीं पाएंगे जी ये सोच है लोगों की तो वैसे तो मजाहिया तौर पे मैं बता दूं अगर हाथ में फ्रैक्चर हो तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट लेकिन ऑन अ सीरियस नोट कई फ्रैक्चर इतने छोटे होते हैं या अनडिस्प्लेस्ड होते हैं जी तो आप चल सकते हैं पेन के साथ चल सकते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ है। ओके अगर आपकी मेजर बोन्स है जैसे हिप बोन हुई या ये थाई की बोन हुई या लेग की बोन हुई अगर वहाँ फ्रैक्चर होगा तो यकीनन आप नहीं चल पाएंगे लेकिन अगर जैसे पैर की है छोटे फुट की फ्रैक्चर है तो आप चल पाएंगे तो डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कहाँ है। ये
पहला सवाल का आंसर, और दूसरा आपका यह है कि इमोबिलाइज करना है, मतलब किसी भी चीज़ से आप उस पार्ट को ताकि मूव ना करे। उसका रीज़न ये है कि अगर मूवमेंट होती रहेगी, सपोज फ्रैक्चर है, मूवमेंट होती रहेगी तो आपके नसों को एज वेल एज ब्लड वेसल्स को डैमेज होने का फर्दर चांस है। तो आप कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए या कोई भी हार्ड चीज़ ले लीजिए, उसके ऊपर उस पार्ट को रख के जेंटली बांध दीजिए, जैसे स्प्लिंट से कहते हैं उसको कर दीजिए, ठीक है। और गर्म पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, अगेन गर्म पानी तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, इनफैक्ट आइस करना है और उसको ठंडी चीज से उसका सिकाई करनी। सिकाई तो कह नहीं सकते क्योंकि गर्म को सिकाई कहते हैं, लेकिन आइस कहा जाता है आम लफ्जों में, ऐसे जी हाँ मतलब बोलते हैं घरेलू जो इलाज, क्रायोथेरेपी बोला जाता है। क्रायोथेरेपी तो टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप बर्फ लगाइए वहाँ। ओके, बर्फ लगाइए। अच्छा डॉक्टर प्रभात, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी तो हमने रोड साइड एक्सीडेंट्स की बात की है कि किस तरीके से अगर जो लोग बाग हैं उसके आसपास उन्हें मदद कर सकते हैं और क्या एहतियात बरतनी चाहिए। अगर हम बात करें घर की, अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई घर की छत से कोई गिर गया नीचे और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, कमर में चोट आई है, तो उस वक्त जो उसके घर वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो किस तरीके से उसको मदद दे सकते हैं? अगर वो होश में भी है तो वो खुद अपनी मदद कैसे कर सकता है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की, इमोबिलाइजेशन की, तो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें दो तरह से चोटें आ सकती है, एक तो सर्वाइकल में और एक लंबर रीजन में। सर्वाइकल रीजन में आएगी तो उसके अलग सिम्टम्स हैं, और जो लंबर रीजन में आएंगी तो उसके अलग सिम्टम्स हैं। मतलब इसमें सर्वाइकल में क्या हो सकता है कि चारों आपके हाथ पैर ट्रंक सबकी बैलेंस खत्म हो जाए, मसल वीक पड़ जाए, और लंबर रीजन में हो तो जो है आपका नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा। स्टेबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो सर ने भी बताया, तो इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेबिलिटी के लिए कॉलर्स का यूज करें। सर्वाइकल में भी जो हमें तो पता नहीं है, पेशेंट को पता नहीं है गिर गया है, हो सकता है गर्दन में भी चोट हो सकता है कि कमर भी चोट हो, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी उसके लिए जो है कि आप सर्वाइकल कॉलर या जो भी आपके पास उपलब्ध सामान है उसके जरिए आप गर्दन को स्थिर करें और कमर को स्थिर करें। और जो ट्रांसफर है, पेशेंट का ट्रांसफर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रांसफर आप हार्ड ऑब्जेक्ट से करें, ऐसा नहीं कि उठा के चार आदमी ले जाए, उससे और जो है कि पेशेंट को परेशानी हो सकती है, उसका नर्व कंप्रेस कर रहा हो तो और कंप्रेशन हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड जैसे बोलते हैं, तो उसके वजह से उसके सिम्टम्स और एग्रीवेट हो सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए हार्ड सरफेस का यूज करें, अगर आपके पास कुछ ऐसा तख्ता है, क्योंकि घर में स्ट्रेचर वगैरह तो जल्दी होती नहीं, तो तख्ता यूज करें, तख्ते के ऊपर या किसी बिस्तर के ऊपर ही चौकी ऐसी हो कि उठ उसको लेके पेशेंट को उसके ऊपर दो तीन लोग मिल के ट्रांसफर करें, जिससे स्टेबिलिटी के साथ ट्रांसफर है। तो यहाँ पे ट्रांसफर एंड स्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक कि आप डॉक्टर के पास जी, ट्रांसफर और स्टेबिलिटी, इसी बात पे शायद मूर्ति सर भी कुछ बोलना चाह रहे थे। वही ट्रांसपोर्ट, वही वंस अगेन वही फर्स्ट एड कोर्स है, हर इंसान वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम दर्शकों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, आपके घर के अंदर क्या चद्दर है, दो लकड़ी है, उसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो कैसे रोलिंग कराया जाता है, क्योंकि जब रीढ़ गड्डी टूट जाता है वो आप कंधा एक साइड घुमा रहे हैं, कमर एक साइड घुमा रहे हैं, तो फिर और डैमेज हो जाएगी और मरीज को समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए तरीके से इनको जो है रोटेशन करके स्टेबिलिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर कामरान, आपके पास आना चाहूँगा मैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स की कर रहे हैं, एक और हादसा बहुत खतरनाक है और जो देखने को भी मिलता है, ये इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है, जो करंट लगने का होता है। अगर कभी किसी इंसान को करंट लगने की शिकायत होती है या हादसा पेश आता है, उसको किस तरह से दूसरे लोगों को डील करना चाहिए, इस बारे में ज़रा सा बताएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको मदद करने से पहले, सबसे पहले आप जो मेंस हैं उसको स्विच ऑफ करें जी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिसकनेक्ट करना है, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को ऑन होते हुए पेशेंट को टच करेंगे तो आप भी इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हैं, वो भी जद में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट इज टू डिस्कनेक्ट जी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपका मेन्स है उसको स्विच ऑफ करिए। उसके बाद आप मेक श्योर कि आप यू आर नॉट ऑन अ वेट सर्फेस या आप ऐसी चीज़ें जो नॉन कंडक्टिव जैसे बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, उस टाइप के चप्पल पहन के फिर जाइए। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मेनली क्या होता है कि करंट बॉडी के थ्रू जब पास होता है तो सबसे दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, एक तो मसल्स अफेक्ट होती हैं और दूसरा हार्ट अफेक्ट होता है। मसल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में अफेक्ट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हार्ट का जो है ना वो कंडक्शन रुक जाता है। जब इलेक्ट्रिक्यूशन सीवियर है तो जो हार्ट है वो कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो अगर पेशेंट बेहोश हो गया है और आपने चेक कर लिया है कि पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा और पल्स नहीं है,
तो आप CPR करिए सबसे पहले, सबसे पहले आप चेक करिए, फ़ोन करिए फर्स्ट एड के लिए, और आप CPR जो चेस्ट कंप्रेशन जिससे बोलते हैं वो शुरू करिए। जी जी जी, इसके बाद इस तरह से डील करें। इसके बाद इलेक्ट्रोक्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखिए फ्रैक्चर होता नहीं है उसमें, मेन चीज़ें दो हैं, एक तो ये है कि हार्ट जो है वो बीट करना स्टॉप कर देता है, तो मेक श्योर कि आप हार्ट रिवाइव करें। अगर सपोज हार्ट उसका ठीक है और हार्ट कार्डियक अरेस्ट में नहीं गया है जी, तो वो कॉन्शियस है, सपोज कॉन्शियस है, बात कर रहा है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, मेक श्योर कि आप उस पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट जो जिससे लगाए, कहते हैं लकड़ी पकड़वा दो, लकड़ी हाथ में होगी तो ये सब चीज़, लकड़ी वगैरह कुछ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आपको करना है। उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को और पेशेंट को इलेक्ट्रिक करंट जो लाइव है उससे दूर करिए। ओके, नंबर वन स्टेप इलेक्ट्रोक्यूशन में यही है कि आप सबसे पहले स्विच ऑफ करें, उसके बाद मेक श्योर कि आप पेशेंट को भी जहां से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो रहा है उस जगह से दूर ले जाए, दूर ले जाए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़। फिर वही फाइनली उसे डॉक्टर के पास ले जाए, उसके बाद ले जाइए, उसके बाद बेसिकली कार्डियक कंडक्शन देखना है, ECG वगैरह करना होता है कि भाई हार्ट ठीक है नहीं। दूसरा जो मसल डैमेज होता है उसको देखना होता है, उससे क्या होता है लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर होता है, तो आपको किडनी फेलियर के भी चांसेस हैं। किडनी फेलियर जो मसल डैमेज हो, क्योंकि किडनी ही एक्सक्रीट करती है, रैप्डोमायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन होता है, वो डैमेज हो जाता है, उससे किडनी ब्लॉक हो जाती है, तो पानी बहुत पिलाना होता है, बट वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो डॉक्टर ही बताएंगे। जी जी, बहुत सारा, अगर सपोज ऐसा सिचुएशन हो गई कि आपके एक्सेस ही नहीं है किसी डॉक्टर में, जैसे आप विलेज में हैं या बहुत दूर हैं, तो उसमें मेन चीज़ यही है कि आपको बहुत पानी का इस्तेमाल करना है, पानी बहुत पिलाइए, पिलाना है पानी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई डॉक्टर साहब आपने, ये पानी पिलाते रहिए आप उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू एक्सक्रीट होता जाए जो भी है, तो किडनी फंक्शन मेंटेन करना है। राइट राइट जी। अच्छा डॉक्टर कामरान, यहीं कहीं एक सवाल आपसे मैं भी पूछना चाहूँगी, हम बहुत सारे हादसात की बात कर रहे हैं, रोड साइड के हों चाहे गिर जाने के हों, अगर बात करें जलने की, जी, अगर अचानक घर में किसी के साथ ये हादसा पेश आ गया, कोई जल गया, अक्सर हम क्या करते हैं ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। इसके अलावा एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो ख़वातीन के साथ पेश आती है, एसिड डाल देते हैं, और जब ये एसिड डलता है तो आसपास के लोगों को भी समझ में नहीं आता कि अब इसके साथ क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उनको हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, उनकी क्या मदद कर सकते हैं? तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एसिड थोड़ा ज़्यादा, इट इज़ मोर आई वुड से स्पेशलाइज फील्ड, लेकिन तीनों सिचुएशंस में आप पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल इनफैक्ट डालना चाहिए। जो कंबल वाला कंसेप्ट है वो आई वुड से ठीक नहीं है, एक उस ज़माने का है जब पानी नहीं एक्सेसिबल था, अगर पानी है तो चाहे आग लगी हो चाहे एसिड से एक्सपोज हो, बेस्ट थिंग इज जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाला जाए वो बेटर है, क्योंकि आग लगने में क्या होता है कि टेम्परेचर रेज होता है बॉडी का, और आइडिया इज़ कि हम उसको, एक तो उसको आग को बुझाना है और दूसरा ये है कि उसको ठंडा करना है, तो पानी बेस्ट चीज़ है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो आग लगी हो, तो जितना ज़्यादा पानी आप डालेंगे वो बेटर है। स्पेशली एसिड के सिचुएशन में आपको कॉपियस अमाउंट, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी से इस्तेमाल करके, जैसे रनिंग टैप है जो पानी आ रहा है उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत देर तक, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक आप पानी से धोइए उसको, ठीक है। और आग का भी यही है कि जितने जल्दी जल्दी आग बुझाई जाए, कंबल का कंसेप्ट ये था कि आग बुझाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे मटेरियल से आपने सपोज कंबल कवर किया जो खुद ही एक गरम है, गरम या जल्दी आग पकड़ लेगा, तो वो तो एक्चुअली फायर को और ज्यादा बढ़ा देगा, बढ़ा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ना, तो इसलिए कंबल उसी सिचुएशन में आप यूज करें। बेसिकली आइडिया ये है कि आपको आग बुझानी है, कंबल डालने का कंसेप्ट ये था कि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आग बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर वक्त की कमी है थोड़ा सा, मैं यहाँ मूर्ति सर से भी इस बारे में पूछूंगा, आप ये बताइए कि आपकी क्या राय है यहाँ पर, एक चीज और डूबने पर भी बताइए कि अगर डूबने पर किसी को बचा लिया जाता है तो उसके लिए किस तरह से डील किया जाए। जैसे सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो पानी डालना है इसकी दर्शकों को बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल जी, एक उबला हुआ आलू, उबला हुआ अंडा, थोड़ी देर ठंडा के लिए 2-3 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, फिर आप छिलके तो उतार देते हैं, अंदर तो गर्म रहता है ना, द सेम चीज जब बर्न्स हो जाती है अंदर गर्म बना रहता है, तो इसलिए आप ठंडा पानी डालना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वहां पे टेम्परेचर आपको लो करना है। जी, दूसरा जो ड्राउनिंग है जो पानी में डूबने का, यहाँ पे हम लोगों के बीच में बहुत मिसकंसेप्शन है, क्या जैसे मूवी में दिखाते हैं, बाहर ले आते हैं फिर पेट में दबाते हैं फिर मुंह से मुंह लगा के पानी निकालते हैं, सब गलत है,
ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना। ओके, तो किस तरह से करना आपको यहाँ पे भी सिर्फ ए बी सी, ये जो ए बी सी है ना, इसको ही आप फॉलो करना जी, उसको बाहर ले आइए। अगर छाती पे पानी भरी हुई है आप चिंता मत करिए, वहां पे आप एयर ब्रीदिंग सर्कुलेशन देखिए, जहां सर्कुलेशन नहीं है आपको सीपीआर देना है, सीपीआर ही देना है, ये चीज जरूरी है। वो जब तक सीपीआर देना जब तक आपके हार्ट फंक्शन ना आए या फिर मरीज को, वो इंसान को, व्यक्ति को हॉस्पिटल ना पहुंचाए तब तक आपको सीपीआर करना। बाकी कोई आप पानी निकालने के प्रयास मत करिए, लोग उल्टा भी लिटा देते हैं और मुंह से वो ऑक्सीजन देते हैं, ये सब चीजें, ये क्लियर मैसेज हम यहाँ दे रहे हैं। अब वो सब करना नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पानी से बाहर निकालिए। हो सकता है टेम्परेचर आपको मेंटेन करने के लिए कंबल कंबल यहाँ पे यूज कर लीजिए, बाकी आप सीपीआर के जब वहाँ हार्ट फंक्शन नहीं है, पल्स फाइंड आउट नहीं कर रहे, तब आप सीपीआर करिएगा। ओके जी, तो इसी के साथ डॉक्टर प्रभात, आप भी हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप लोग सुरक्षित रहें। कुछ बताना चाहें न्यूरोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उसके अच्छा तो न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से जब भी इस तरह की चीज़ें आपके पास हों तो इतना ज़रूर करें कि जो व्यायाम है उसको किसी के द्वारा भी हो, अगर व्यक्ति खुद नहीं कर सकता तो किसी के द्वारा भी हो वो कराते रहें, जिससे कि पेशेंट जो है कि अपना सुचारू रूप से कार्य कर सके और जो भी दैनिक क्रिया है उसमें जो है कि अपने आप को अच्छे से भाग ले सके उसमें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडीएल। अगर एडीएल किसी ने मेंटेन, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अगर किसी ने मेंटेन कर लिया तो उसके लिए मानसिक रूप से भी और सामान्य रूप से भी जो है कि काफी बेहतर साबित होती है। राइट जी, डॉक्टर कामरान आप भी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्पेशली फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कि आप लोग प्लीज ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करिए, जो रूल्स बनाए गए हैं आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, आपके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं। अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो आप एक्सीडेंट्स अवॉइड करेंगे, तो अपनी जान को बचा पाएंगे और मॉर्बिडिटी या एक तरह से डिसेबिलिटी को भी बचा पाएंगे। बेसिक रूल्स फॉलो करिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, लोग हेलमेट नहीं पहनते, रेड लाइट को जंप मत करिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग मत करिए, रॉन्ग साइड से ओवरटेक मत करिए, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख या इस साल की फिगर लेंगे तो 1.68 लाख, यानी 1,68,000 लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट्स में और 5 लाख लोग इंजर्ड हुए। तो जो इंजर्ड होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए ये गारंटी नहीं की जा सकती। तो बेहतर ये है कि इससे बचाव किया जाए, प्रिवेंट किया जाए रोड एक्सीडेंट्स, और वो तभी हो सकता है जब हम सब एक जिम्मेदार शहरी की तरह रूल्स को फॉलो करें। और जिम्मेदार शहरी के साथ साथ एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है तो हम उसे नज़रअंदाज भी ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, उसकी मदद के लिए हमें वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल, अब गुड समैरिटन एक्ट आया है तो उसमें यह है कि आप गवर्नमेंट से आपको प्रोटेक्शन है कि आप सिर्फ पेशेंट को अस्पताल तक ले जाइए, वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, ना तो पुलिस और ना ही अस्पताल वाले आपसे कोई, कई बार लोग झजकते हैं कि भाई हम अगर इस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कैसे हुआ क्या हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं। गुड सैमरिटन एक्ट जो आ रहा है उसके तहत आपको, आपकी सिर्फ एक जिम्मेदार शहरी की ये ड्यूटी है कि आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाइए, आपसे किसी तरह का सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने हमारे नाज़रीन को बताई है। डॉक्टर मूर्ति क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल सर के पॉइंट से एक ऐड करना चाह रहा हूँ, इसी जे छोट अगर प्रॉपर अगर फॉलो नहीं करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2.5 जीडीपी रेट कम हो जा रही है, ये इसके कारण से। अगर आप ये प्रॉपर फॉलो करिए, हमारा प्रोफेसर सर ने जितने बोले ट्रैफिक रूल्स, प्रॉपर हेलमेट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करें, रेड सिग्नल जंप ना करें, अगर ये सब फॉलो करेंगे हमारा जीडीपी ग्रोथ भी बढ़िया रहेगा। तो ये हम दर्शक का हाथ में है सब कुछ, इसको आप फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी हमने बनाया इधर 17 का, तो ये जरूर फॉलो करना बहुत जरूरी जी। नाज़रीन हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, ये कुदरत का दिया हुआ वो इनाम है हमें, जिसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स ने आज के प्रोग्राम में यही बातें बताई कि अगर किसी भी तरह से कोई हादसा पेश आता है तो उस पर बहुत ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि डॉक्टर कामरान ने बताया कि सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट है
वो ये है कि जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, कानूनी जो रूल्स हैं, ट्रैफिक के रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए, सील्ड बेल्ट लगाइए, गाड़ी चलाते वक्त बात मत कीजिए, स्पीड को लिमिट में रखिए, या वो सारी चीज़ें जो आपको बचा सकती हैं। और एक और बात डॉक्टर कामरान ने बहुत अच्छी बताई, अगर किसी के साथ हादसा पेश आ जाता है और आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाइए, और अगर आप उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाएँगे तो आपकी कोई उसमें आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे सवाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपकी ये कदम, आपका ये कदम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। हमारे मूर्ति सर ने बताया कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वही बात कही कि उनको फॉलो कीजिए, और उनको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ, सेफ्टी के साथ पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक। यहाँ पर बात करेंगे प्रभात रंजन जी की। प्रभात रंजन जी ने बताया कि सबसे पहले तो यह है कि व्यायाम कीजिए, वही अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान दीजिए, और जो बातें डॉक्टर्स बताते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपका बहुत शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमें यकीन है कि आज का हेलो डॉक्टर का ये शुमारा आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। नाज़रीन, अगर आपके भी जहन में किसी भी मर्ज़ से मुतालिक कोई भी सवालात हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellodoctordurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको छोड़े जा रहे हैं टिप्स ऑफ द वीक के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब किसी भी बड़े हादसे या खतरनाक चोट से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए तो सबसे पहले अपने हवास पर काबू रखें। फौरी मदद के लिए जरूरी फोन नंबर्स याद रखें। सड़क पर चलते या पार करते हुए होशियार रहें। गाड़ी या बाइक चलाते वक्त भी चौकन्ने रहें। गाड़ी महदूद रफ्तार में ही चलाएं। रफ्तार तेज होने से हादसे का खतरा रहता है। अपनी गाड़ी या बाइक के रखरखाव का भी ख्याल रखें, ये भी हादसे का सबब बन सकता है। हमेशा ट्रैफिक के सभी जाब्तों की पाबंदी करें। याद रखें, एहतियात से ही हादसा से बचा जा सकता है। दर्द की तह में दबे रहने दे एहसास मेरे।